में लेते हैं इस चैलेंज को, यानी कि 7 डे चैलेंज फॉर स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग एंड टाइटनिंग। यानी कि सिर्फ 7 दिन में आपको आपकी स्किन लाइटन लगने वाली है, ब्राइटन लगने वाली है, और साथ ही साथ आपके चेहरे के ऊपर अगर फाइन लाइन रिंकल्स अब भी आने शुरू हो चुके हैं, अगर आपको दिखता है कि आपके चेहरे के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, तो उसकी परेशानी में भी आपको सिर्फ 7 दिन में बहुत हद तक कमी दिखने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सत्य सौंदर्य में, और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आगे चल के अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी लगे कि हेल्पफुल है, अगर मैंने थोड़ा सा भी एफर्ट डाला है, अगर मैं आपको लगे कि हाँ इस वीडियो में जान है, तो भर भर के अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, और बिना लाइक किए हुए वीडियो को ना जाएं, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं और आज फेस पैक लेकर के आई हूँ। दोस्तों यकीन करें, सिर्फ 7 दिन में आपको आपके स्किन में गजब का रिजल्ट दिखने वाला है। ये फेस पैक मैं लास्ट अभी 15 दिन से अपने चेहरे के ऊपर ट्राई कर रही थी, मुझे मेरी स्किन के ऊपर अमेजिंग रिजल्ट दिखे हैं, गजब के रिजल्ट दिखे हैं, मैं क्या ही आपको बताऊं। बट आपको दिल से सॉरी बोल रही हूँ कि आज मैं आप सबको फेस पैक लगा के नहीं दिखाने वाली हूँ। यकीन करें इसका रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलने वाला है। तो इस सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को वो है बनाना, यानी कि केला। अब आपको केला कौन सा लेना है, तो आपको लेना है पका हुआ केला। आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है। साथ ही साथ अगर आपको ओपन पोर्स की परेशानी है, मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड है जिन्हें ओपन पोर्स की परेशानी है, खुले रोम छिद्र की परेशानी है, और 25 की उम्र में ही 35 की दिखने लगी है, उम्र से ज्यादा उनके चेहरे के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स आने लगे हैं, और इस मॉनसून सीजन में उनकी स्किन बहुत ज्यादा चिपचिपी रहती है, फ्रेशनेस नहीं लगता उनको, उनके चेहरे पे हमेशा चिपचिपाहट बनी रहती है, तो उनके लिए भी ये फेस पैक जो है वो रामबाण होने वाला है। तो गजब का आपको ये पैक है। तो आपको क्या करना है, बनाना लेना है, और बनाना मैं कितना आपको बोलूंगी, पूरे फेस और नेक के ऊपर अगर आपको लगाना है तो हाफ बनाना काफी होता है, यानी कि आधा बनाना काफी होता है। तो आपको क्या करना है, उसका छिलका जो है वो हटा देना है, ओके। और हटाने के बाद आपको क्या करना है, हाफ बनाना कट करना है और साफ सुथरे ग्राइंडर के अंदर आपको डाल देना है, ओके। साफ सुथरा जो ग्राइंडर का जो जार होगा उसके अंदर आपको डाल देना है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है कोकोनट ऑयल। अब जो आप कोकोनट ऑयल यूज करेंगी, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें। मैं मैक्स केयर के इस्तेमाल करती हूँ, बट जरूरी नहीं है कि आप मैक्स केयर के ही एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें। आपके पास आपका कोई भी फेवरेट ब्रांड हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल नहीं है, तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि पैरासूट हो गया, जो भी आपके पास ब्रांड हो, उस ब्रांड का आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। कोकोनट ऑयल क्या करता है, आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, और अगर आपके चेहरे के ऊपर डेड स्किन वगैरह है उन सबको धीरे धीरे रिमूव करता है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर सन टैन की परेशानी है उसकी परेशानी को दूर करता है। आपके मन में जरूर डाउट होगा कि छवि क्लाइमेट है मानसून का, आप बोल रहे हो कि आपकी स्किन कहीं चिपचिपी न हो रही है, उसकी परेशानी से आपको मुक्ति दिलाने वाला है, तब ये कोकोनट ऑयल अगर मैं डालूंगी तो मेरी स्किन चिपचिपी नहीं होगी, यकीन करें नहीं होगी। ये आप पैक आपकी स्किन में एक बार में ही गजब का रिजल्ट दिखलाएगा, बट 7 डेज अगर आप इसको लगा लेते हो तो 7 डेज में तो आपकी स्किन का कायाकल्प हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। देखिए आपको जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप मेरे भरोसे के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए इस पैक को जरूर इस्तेमाल करें। अब कोकोनट ऑयल आपको कितना लेना है, कोकोनट ऑयल आपको ले लेना है हाफ स्पून, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा वर्जन लेते हैं तो 1 स्पून भी आप डाल सकते हो, बट अगर पैरासूट या फिर किसी और ब्रांड का लेते हो तो हाफ स्पून ही काफी है। अब आप क्या करोगे, उस कोकोनट ऑयल को उसी ग्राइंडर के अंदर डाल दोगे जिस ग्राइंडर के अंदर आपने जार के अंदर बनाना डाला है, ओके। अब जो दोस्तों अब क्या करोगे, इन दोनों को आपको अच्छे से कर लेना है ग्राइंड।
एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। जब एकदम अच्छे से ये ग्राइंड हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी मसलन का फैब्रिक जो होता है ना, जो मलमल वाला जो फैब्रिक होता है, वो आपको ले लेना है और उसके अंदर आपको इसको अच्छे से छान लेना है। अच्छे से आपका, जब आप इसको अच्छे से पल्प निकालते हो ना, तो एकदम क्रीम के रूप में निकल जाता है। आप चाहे तो ऐसे भी उसको लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, यकीन करें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर आप मलमल के फैब्रिक में इसे अच्छे से स्ट्रेन करके निकालते हैं ना, तो ये एकदम से क्रीम का रूप ले लेता है। आपको लगेगा कि आप कोई मार्केट का क्रीम जो है वो परचेस करके आए हैं, जिसको आपको अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। यकीन करें जहाँ ये मलमल के फैब्रिक में जाता है और आप इसको क्रीम के रूप में ये निकलता है, ठीक है। आप फिर से मैं बोल दे रही हूँ, आप वैसे भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, इसके अंदर आपको यूज करना है दोस्तों, वो ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी वंस अगेन मॉनसून सीजन के लिए तो रामबाण है, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्ने है, स्कार्स है, तो भैया मुल्तानी मिट्टी तो आपके लिए रामबाण है ना। व्हाइटन करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है, यहाँ तक कि पोर्स को भी श्रिंक करता है मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी मैं ले रही हूँ 2 स्पून, ओके। अब जो दोस्तों आपको इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको ग्राम फ्लावर, यानी कि बेसन, ठीक है। अब ग्राम फ्लावर आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है। मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है ग्राम फ्लावर। अब ग्राम फ्लावर आपको कितना लेना है, वो ले लेना है 1 स्पून। अब इन सबको आपको अच्छे से कर लेना है मिक्स, या तो आप मलमल के कपड़े से निकाल करके आप इन सबको मिक्स करें, या फिर सीधा ग्राइंडर में ग्राइंड करके निकाल लें, उसके बाद इन सबको आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपको क्या करना है, अपने साफ सुथरे फेस के ऊपर और अपने साफ सुथरे नेक के ऊपर आपको क्या करना है, इसे लगाना है। आप इसे अंडर आई भी लगा सकते हैं, अगर आपके अंडर आई लूज स्किन है, अगर आपको अंडर आई आई बैग की परेशानी है, अगर आपकी अंडर आई बहुत ज़्यादा एकदम से अजीब सी सूजी सूजी लगती है, उसमें भी ये फेस पैक बहुत ज़्यादा वरदान साबित होता है और बेस्ट एंटी एजिंग माना गया है। बुटॉक्स का तो पप्पा है ये वाला फेस पैक, ठीक है, क्योंकि सिर्फ स्किन को वाइटन करके क्या फायदा, अगर आप चेहरे के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स पड़े ही हुए हैं तो कोई फायदा तो है ही नहीं, है ना। इसलिए सबको ठीक करना है ना, तो अपने फेस और नेक के ऊपर आपको इसे लगा लेना है। स्टार्टिंग में क्या करें, आप 30 सेकेंड to 1 मिनट के लिए इस पैक को अपने पूरे चेहरे के ऊपर मसाज करें, पहले पूरे फेस के ऊपर आपको 30 सेकेंड to 1 मिनट मसाज करना है, और मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, इस पैक को लगे छोड़ देना है अपने चेहरे के ऊपर कम से कम 30 मिनट्स के लिए, सुना कम से कम 30 मिनट के लिए। 30 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने चेहरे से इस पैक को निकाल लेना है। जहां आप अपने चेहरे से इस पैक को निकालते हैं, आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा व्हाइटन लगती है, बहुत ज्यादा ब्राइटन लगती है और बहुत ज्यादा फ्रेश फील होता है आपको। यकीन करें ये पैक की मैं गारंटी लेती हूँ, इस पैक को आप वो एक बार लगाते हो और एक बार में अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखता है, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि छवि मैं ले फेस पैक लगाई बट मेरे चेहरे के ऊपर तो फ्रेशनेस लगा ही नहीं, मेरे चेहरे के ऊपर आप मेरी स्किन व्हाइटन लगी ही नहीं। आपको लगना ही लगना है, एक बार में ही लगना है। अब आपके चेहरे के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स है, वो एक बार में खत्म नहीं होंगे। इस पैक को अगर आप कंटिन्यू लगाते हो तो 7 डेज में आपको आपकी स्किन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्किन में ये बहुत ज्यादा फर्क दिखलाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस पैक को कितने बार लगाना है। तो अगर आप हफ्ते में, अगर आप शुरू में 7 डेज कंटिन्यू लगा लें, 7 दिन कंटिन्यू लगा लें इस पैक को, आफ्टर 7 डेज क्या करें, हफ्ते में अगर 3 बार भी लगाते हैं तो बहुत सही रहने वाला है, उससे ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको लगाने की उम्र क्या है, आपकी उम्र हो गई है 10 साल की, तो आराम से अपनी मम्मा को कहे इस पैक को लगाने के लिए, हफ्ते में एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको अपने चेहरे के ऊपर रखना है और फेस को वॉश कर लेना है। 10 मिनट में ही आपको आपकी स्किन में, आपको आपकी स्किन व्हाइटन लगेगी, ब्राइटन लगेगी और धूप के कारण जो अगर आपकी रंगत कम हो गई है उसमें आपको फर्क दिखेगा। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी कुछ बताना रह गया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।